नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल फॉर्म है, 28 वर्ष इनकी आयु है। इनके सवाल इस प्रकार थे कि जीवन कैसा रहेगा, शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, इनका आने वाला समय कैसा रहेगा, मुझे इनके हाथ में किस एज में क्या समस्या दिख रही है। चलिए आइए सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपकी हाथ की 3 मेजर रेखा जो होती है उनका ब्रीफ निकाल कर देखेंगे कि क्या निकल कर आता है। ये जीवन रेखा है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब ये जीवन रेखा आपके हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार चलती है। यहाँ पर अगर देखें तो आपके हाथ में जीवन रेखा हल्की सी धुंधली पड़ गई है। अब ये कौन सी एज है? मेरे हिसाब से ये आपके हाथ में जो एज निकल कर आ रही है इसको आप समझ सकते हैं 38 से 40 के बीच आप समझ सकते हैं। जो 2 से 2.5 वर्ष रहेंगे इस एज के अंदर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हाईवे पर जाए तो सीट बेल्ट बांध के पूरी सेफ्टी मेजर्स के साथ जाइएगा। आपके हाथ में स्वास्थ्य पर हानि होने से पैसा खर्च होने के भी योग हैं। स्वास्थ्य बिगड़ेगा, हॉस्पिटल एडमिट होंगे या भी कहीं भी आप डॉक्टर के दिखाएंगे, उसमें ज्यादा पैसा खर्च होगा, यानी बैंक बैलेंस में भी इफेक्ट होगा और आपका स्वास्थ्य में भी परेशानी रहेगी। इस चीज को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा। आपके हाथ में इस एज में थोड़ी बहुत परेशानी इस एज से 1 साल आगे पीछे मतलब 39, 40, 38 में ही ये चीजें होती हुई दिखती है। जीवन रेखा थोड़ी अस्त व्यस्त है तो उस एज में अपना ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे तो छोटे छोटे कट भी आ रहे हैं जीवन रेखा पर, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। जब जीवन रेखा पर ये कट हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में इश्यूज आते हैं। वो किस चीज को लेकर? किसी व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल इशू आएगा, किसी व्यक्ति के जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, किसी व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या आती है। लेकिन आपके हाथ में ये केवल इतने छोटे छोटे हैं कि आपको केवल ही केवल मुश्किल से मुश्किल 1 महीना परेशान करेंगे, 15 से 20 दिन समझ सकते हैं। तो हाँ, 15 से 20 दिन की समस्या केवल आपके हाथ में यहाँ पर दिखती है। वो बहुत छोटी छोटी, आपको पता नहीं चलेगा कि समय कब आया, कब चला गया। थोड़े बहुत टेंशन में ही ये इन चीजों का बुरा प्रभाव निकल जाएगा। जो मेजर समस्या वो ये है कि जीवन रेखा इस एज में टूटी हुई है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस एज में, अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिएगा और अपना अगर आप मोटापा बढ़ रहा है, पेट आपका निकल रहा है, तो इस चीज को भी थोड़ा देख के चलिएगा। इस चीज में दिक्कत रह सकती है। बाद में जीवन रेखा आपकी आगे बढ़ती है इस प्रकार से, और यहाँ पर भी मतलब ये जो एज निकल कर आएगी तो काफी बुढ़ापे की है। इसको आप समझ सकते हैं 65 के प्लस के बाद इस एज में भी स्वास्थ्य बिगड़ने के पूरे पूरे योग दिखते हैं आपके हाथ में। बाकी देखिए, हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसमें आपको ये बता दिया जाए कि हाँ जी सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा। हमें जो दिखेगा वो हम सब बताएंगे, चाहे वो अच्छे से अच्छा हो या बुरे से बुरा हो। तो बस इतना समझ लीजिएगा कि अगर हम कुछ बुरा बता रहे हैं तो आपके भले के लिए रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो चीज़ खराब हो सकती है उस चीज़ का पहले उपाय करके या फिर अपनी सेहत का ध्यान रखकर, अपने वजन को मेंटेन करके आप अपने जीवन में उन आने वाली चीज़ों से बच सकते हैं। तो जो दिखेगा हम बिल्कुल सच बोलेंगे, जो मतलब आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं होगी। अगर बुरे से बुरा होगा तो हम बोल देंगे वीडियो में। और यहाँ पर अगर देखें तो ये आपके हाथ में आपकी एज निकल कर आ रही है, 33 में कट है, 35 में कट है, फिर आपके हाथ में आपके यहाँ पर मुझे दिखता है 39 में भाग्य रेखा थोड़ी बहुत बेकार या धुंधली हो गई है। ये जो भाग्य रेखा है धुंधली पड़ी है, यहाँ पर ये चीज दिखती है, भाग्य रेखा पर भी इफेक्ट इस चीज का दिखता है। इसके बाद अगर आपकी भाग्य रेखा आगे बढ़ती है, यहाँ पर वी साइन बना लेती है, यानी बुढ़ापे में करियर से, अपने धन से, अपने पैसे से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से सेटिस्फाई हो जाएंगे। जितना आपने सोचा होगा टीनेज में कि मेरे को इतना पैसा कमाना है बड़े होकर, उतना पैसा आप आराम से कमा लेंगे। इसी के कोई आपके नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखते। भाग्य रेखा में जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखते हैं, किस समय बुरा समय आ सकता है, किस समय संघर्ष आ सकता है, किस समय अच्छा समय आ सकता है, वो सारी चीजें आपकी जीवन रेखा पर साफ साफ दिखती हैं। इसके साथ साथ यदि आपके हाथ में आपकी बुद्धि की रेखा देखेंगे तो बुद्धि की रेखा ये है, ये व्यापारिक समझ मजबूत करती है। अगर बिजनेस करना चाहें तो किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। मनी ट्रायंगल आपके हाथ में ये देख सकते हैं, ये मनी ट्रायंगल है। अब देखिए, मनी ट्रायंगल इस रेखा के बारे में बहुत मिथ फैला हुआ है कि अगर ये ट्रायंगल आपके हाथ में तो आप बहुत करोड़पति होंगे, बहुत पैसा होगा, सारी सुख सुविधा होंगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो मैंने पर्सनली लोगों के हाथ में देखा, जो एक्सपीरियंस किया है, वो ये किया है कि अगर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है तो ये कन्फर्म नहीं करेगा कि आप बहुत पैसे वाले होंगे। ये इस बात को कन्फर्म 100% करता है कि व्यक्ति पैसे का उपयोग बहुत समझदारी से करेगा। ऐसे व्यक्ति से जानबूझकर सपने में भी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति पैसे का सदुपयोग करते हैं और पैसे को लगाने की, पैसे को इन्वेस्ट करने की, पैसे से पैसा बनाने की जो समझ है वो बहुत बेहतरीन होती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। तो मनी मैनेजमेंट अच्छा करता है, पैसे अच्छा आएगा नहीं आएगा इस बारे में मनी ट्रायंगल कुछ नहीं बताता। तो आपसे इतना कह सकता हूँ कि आप समझदार व्यक्ति हैं, पैसे का सही उपयोग करना जानते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे और संतान भी आपके जैसी ही रहेगी जो कि पैसे को बढ़ाने वाली रहेगी, वो भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करवाने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में भी कंफर्टेबल इनकम आती है। हाथ में जो छोटी छोटी राहु रेखाएं हैं उसका अगर प्रभाव पड़े और हाथ में मनी ट्रायंगल हो तो व्यक्ति अब उस राहु रेखाओं के दुष्प्रभाव को झेल जाता है बहुत आराम से।
व्यक्ति को पता नहीं चलता कि बुरा समय कब आया, कब चला गया। सूर्य रेखा देखेंगे तो सूर्य रेखा आपके हाथ में अगर देखें तो यहाँ पर ये सूर्य रेखा इस प्रकार से, और सूर्य रेखा काफी अच्छी अवस्था में दिखती है। जिस प्रकार का सूर्य का ये पर्वत है, ये आपको अच्छे लाभ देने वाला रहेगा और आपके करियर को स्टेबल करने में काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाला भी रहेगा। ये आपके हाथ में बुध पर्वत है, बुध पर्वत मुझे ठीक दिखते हैं। धनुष आकार रेखा आपके हाथ में दिख रही है, आपको समझदार व्यक्तित्व का मालिक बनाती है। आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में चूकेंगे नहीं और उनमें सही डिसीजन आप लेंगे। देखिए यदि आपके हाथ में देखा जाए तो ये सूर्य की उंगली है, ये आपके हाथ में आपकी बृहस्पति की उंगली, दोनों उंगली बराबर है, तो सेंसिटिव नेचर ये रेखा व्यक्ति को देती है। और बुध की उंगली ठीक है, अच्छी है, तो कहीं ना कहीं लोगों से बात करने का तरीका, समझ, लीडरशिप क्वालिटी, बिजनेस सेंस जो होता है वो काफ़ी अच्छा ये रेखा देने वाली होती है। यहाँ पर ये जो फेलेंजेस है लगभग सभी हाथों में जैसे होते हैं आपके खुले हुए, तो खर्चीला स्वभाव ये फेलेंजेस देने वाले होते हैं व्यक्ति के जीवन में। और अगर आपके हाथ में देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में यहाँ से चलती है। यहाँ पर देखें तो नीचे की ओर ट्राइंगल बहुत सारे हैं, नीचे की ओर रेखाएं जा रही हैं। देखिए आने वाला समय जो रहेगा वो काफ़ी चिंता भरा रहेगा आपके जीवन में। आप ये समझ लीजिए कि चिंता नहीं जाएगी, एक समस्या खत्म होगी, दूसरी समस्या का आरंभ हो जाएगा। ये जिस प्रकार के आपके हाथ में रेखा है, आप किसी न किसी बात को लेकर, चाहे पैसे को लेकर, चाहे परिवार को लेकर, या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशानी एवं चिंता से घिरे रहेंगे। टेंशन आपके हाथ में अभी लंबे समय तक जाती हुई नहीं दिखती है। जो आपके हाथ में जो अच्छा समय मेरे को दिखता है वो दिखता है 41 के बाद। 41 के बाद जीवन में बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी आने वाली रहेगी आपके हाथ में। तो टेंशन वाला माहौल एक समय हर आपके साल में, साल दो साल में, एक दो महीने के लिए रहेगा, जो आपको काफ़ी हद तक परेशान या फिर समस्याओं में घेर कर जाने वाला रहेगा। अगर आपकी हृदय रेखा देखें, अंतरात्मा की रेखा जो है आपके हाथ में, अगर ये भी नीचे की ओर आई हुई है, जिस प्रकार की ये आपके हाथ में नीचे की ओर रेखा है, इसका मतलब साफ साफ यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने माँ बाप की पूर्णतः सेवा करते हैं और मन में हमेशा अपने बड़े बूढ़ों के लिए अपार श्रद्धा प्रेम भाव होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने बड़े बूढ़ों का मान सम्मान ही अपनी वाणी द्वारा करने वाले होते हैं। आगे की हृदय रेखा में देखेंगे तो वही गड़बड़ दिखती है जो मैंने आपको बताया। जो आपके हाथ में ये हृदय रेखा है, ये आपको हार्ट इश्यूज देने वाली रहेगी, हार्ट में ब्लॉकेज की ओर इशारा करती है। तो हाँ, हार्ट इश्यूज भी आपको आएंगे, ये बात को दिखाती है। आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल की समस्या आएगी, आपको बीपी की समस्या आएगी, आपको कमर दर्द हो सकता है, घुटनों का दर्द हो सकता है, आपको कई तरह की समस्या आ सकती है जिस तरह की रेखा है आपके हाथ में। तो कुल मिला के आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा में भी टेंशन परेशानी, जीवन रेखा पर भी आपके एक समय के बाद स्वास्थ्य की समस्या, और हृदय रेखा पर भी ये प्रभाव है। तो ये आपके हाथ में नेगेटिविटी को, स्वास्थ्य की समस्या को कन्फर्म करता है। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क हो जाइए। बाकी अगर देखें तो आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा इस प्रकार है आपके हाथ में, घूमी हुई भाग्य रेखा है। ये घूमी भाग्य रेखा चंद्र की भाग्य रेखा, लगभग ये मान के चलिए मैं 100 हाथ देखूं तो मेरे को 20-30 हाथों में ये रेखा देखने को मिल ही जाती है। अब जब चंद्र की भाग्य रेखा होती है तो हाथ में शिव तत्व मौजूद होता है ऐसे व्यक्ति के हाथ में। ऐसे व्यक्ति के हाथ के जो करियर और धन के जो मालिक होते हैं वो भोले बाबा होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर बड़ी अपार सफलता पाना चाहते हैं तो भोले बाबा की शरण में जाना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, भोले बाबा से अपने करियर को, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ मांगना चाहिए। खुद से मांगेंगे तभी उनकी कृपा से जीवन में सब कुछ मिलेगा। ये समझ के चल सकते हैं कि आपका जो फैमिली लाइफ है, आपकी जो करियर वाली लाइफ है, पैसे वाली आपकी जो जीवन रहेगा, उसमें पूरा प्रभाव रहेगा भोले बाबा का। उनकी कृपा से ही सुख आएंगे, उनकी कृपा से ही दुख आएंगे। तो जितना हो सके जल्दी उनकी शरण में जाएं, और खाली समय में सुबह सुबह उठकर भोले बाबा का नाम जप करें, उन्हें याद करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, तो ऐसे जीवन में अपार तरक्की देखने को मिलती है समय के बाद। ये आपको लंबे समय तक करना रहेगा हमेशा के लिए। डेली सुबह उठते ही आदत बना लीजिए कि आपको खाली सुबह से उठकर ओम नाम का जाप करना है, ओम नमः शिवाय नाम करना है, भोले बाबा को कम से कम 15 मिनट मन में ध्यान करना है उनका। ये कार्य करते ही आप पाएंगे कि अगर आप ये कार्य लगातार 1 साल से कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में अगर आपके हाथ में ध्यान से देखेंगे तो मणिबंध आपके हाथ का ठीक दिखता है। यहाँ से देखें तो मणिबंध आपके हाथ में ठीक है। जिस प्रकार ये दो ही रेखाएं, ये एक मध्यम आयु वाले व्यक्ति को हाथ में रेखा शो करती हैं। इसके बाद अगर आपके हाथ में चलें तो बहुत बाद में जीवन रेखा दो भागों में टूट चुकी है। जिस प्रकार की ये जीवन रेखा है आपके हाथ में, ये आपको बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा होने के भी योग बनाने वाली रहेगी। बाकी मैंने आपके पाप में सब कुछ देख लिया है। मुझे आपके पाप में क्या समस्या दिखती है? मुझे आपके पाप में टेंशन भी दिखती है, मुझे आपके पाप में हार्ट हेल्थ इशूज भी दिखती है, मुझे आपके पाप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक समय पर नुकसान भी दिखते हैं।
इन तीनों के उपाय आपको दे दिए जाएंगे। बाकी आपके पास में आपको इन सब चीज़ों के उपाय दे दिए जाएंगे। फिजिकली फिट रहिएगा, मेंटली फिट रहिएगा। उपाय जो दिए जाएंगे वो करिएगा, वो डेली लगातार करने पर, लंबे समय तक करने पर आपको उन उपायों से लाभ देखने को मिलेगा। अभी जो जो मैंने बताया उन चीज़ों पर ध्यान दें, कोशिश करेंगे वो जो समस्या है वो आपके हाथ में आगे चलकर ना आए। बाकी मैरिज लाइफ आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, कोई परेशानी नहीं है, शादीशुदा जीवन आपका अच्छा रहेगा। अगर हाँ, इस एज में जो मैंने आपको ये रेखा बताई है, ये जो एज रहेंगी मेरे हिसाब से, ये जो आपके हाथ में समस्या शुरू होती हैं, ये शुरू होती हैं 32वें वर्ष तक, 39 तक। तो इस एज में आपको मानसिक परेशानियाँ, चिंताएं सताएंगी। तो इस एज में आपके आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बाकी इसके बाद कोई समस्या नहीं है। ओवरऑल मेरी लाइफ आपकी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं दिखती है। आपको कुछ और पूछना रहेगा पूछ लीजिए, आपके एक सवाल का जवाब डिटेल में मिल जाएगा। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसे लगा, एनालिसिस सेटिस्फाइंग है नहीं है सब बता दीजिएगा, आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत मैटर करेगा। तो अपने डाउट क्वेरी जो कुछ और पूछना होगा पूछ लीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब डिटेल में मिल जाएंगे। उपाय लिख दीजिएगा, उपाय किस किस के देने हैं, उपाय देने हैं आपके ये जो गड़बड़ ये जो रेखाओं में है हेल्थ को लेकर, इसका उपाय तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये है कि ध्यान रखिए, अपने को फिट रखिए, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा तक बने रहिए, फिर आपके जीवन में समस्या काफ़ी हद तक नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।